में अभी जैसा कि ओलंपिक्स वगैरह हो रहे हैं और वैसे भी नॉर्मली फ्रांस की जो अप्लाई वीज़ा रेशियो जो है वो ज़्यादा है, अब ये देखें कि आप जो हैं वो इधर कोई भी सर्विस जो है ना स्लॉट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह जो है वो एक शॉर्ट में एक अपॉइंटमेंट किस तरह लेंगे, ठीक है। आप इसमें ये देखें और वीज़ा अप्लाई किधर करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर वीडियो, तो आप उधर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी और जगह का सिटी का देखते हैं, अब इधर भी देखें स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जब ये अपॉइंटमेंट इधर अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट शो होगी, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ जो सेकंड स्टेप है उसमें आप अपना पासपोर्ट अपना सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल, और फिर यह कन्फर्मेशन कोड भी आएगा ईमेल पे आगे जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है वो अपॉइंटमेंट शो होंगी, कैलेंडर शो होगा, आप उस पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो है फ़ोन नंबर पे जो एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह है आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि 5 नंबर पे जो है वो आप पेमेंट कर सकते हैं वीज़ा कार्ड के ज़रिए, ओनली जो है वो आप जो है वो कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, जो वैसे आप पेमेंट जो है वो कैश पेमेंट ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो उसका हो गया किस तरह जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये अभी आप इसमें VFS फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो आप VFS ग्लोबल से भी ड्राइव जा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इधर से बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने मिस्टेक की थी, इधर VFS फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आपको डायरेक्ट जो है ना इसकी वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ इसकी वेबसाइट पे आ गई, यहाँ पे जो है ना आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज फ्रेंच हो जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आपने स्टार्ट वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप ये ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको बिफ़ोर यू स्टार्ट योर पासपोर्ट ओरिजिनल फोटोग्राफ ऑफ योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो आप यह कि ये प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अभी मैं इसमें ना सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, बाकी जो है वो आपने जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वो देखें, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा लिंक, तो आप जो देखें यहाँ पे ये है कि आप ना न्यू यूज़र हैं, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें, इस तरह ID, ईमेल, पासवर्ड दें, ठीक है, तो आपका लिंक आपकी वेबसाइट उधर जाएगा। तो यह है कि आपका वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर यह है कि उसको पासवर्ड को ईमेल को सेफ रखें और आप जो है ना उस पर जो है वो अपना जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ये फिलअप करेंगे, ठीक है। अगर आप जितने फैमिली मेम्बर हैं तो सबके लिए सेपरेट सेपरेट फिलअप करनी पड़ेगी, एक ही अकाउंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यह है कि अब ये सारी इंफॉर्मेशन होगी इसमें जो है, और भी आप क्या नाम है, जब ये आपकी वो हो जाएगी तो प्रिंट योर, इसके बाद ये है कि आपने जो इसको प्रिंट करना है, ये ऑटोमेटिकली जब आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसको आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके प्रिंट करके साथ लेके जाना है और लास्ट में सिग्नेचर करने हैं बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। अब इसमें जो है ना योर एप्लीकेशन जो है, अच्छा इसमें जो है आपने जो है वो क्या करना है, इन्होंने बताया हुआ कि 6 मंथ पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीज़ा गाइडलाइंस जो है वो आप इधर देख सकते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने इन्फॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट करनी है, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, सारी बात हमने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे क्या, सेटअप माई ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने जो है ना अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फिलअप करनी है। इसमें आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कामा वैलिड होना चाहिए, फोटो जो दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। आप इसको जो है वो फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप कर लें, ठीक है। योर एप्लीकेशन फ़ीस आर ड्यू अपॉन फिलिंग, ठीक है, आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और फीस जो है ना उधर सेंटर में जाके जमा करवानी है, ठीक है। और जब ये आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप इसको जो है वो कर लें, अपना इसको जो है ना प्रिंट आउट कर लें, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में ये सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, प्रिंट आउट करके उसको सिग्नेचर करें, इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करें। जैसा कि अभी मैंने शुरू में बताया था, अपॉइंटमेंट जो है ना वो ज़रूरी, अपॉइंटमेंट की फ़ीस आपने ऑनलाइन पे करनी है, लेकिन वीज़ा की फ़ीस जो है वो आपने
जो है उधर सेंटर में जा करनी है, और बाकी आप सर्विस कोरियर सर्विस भी ले सकते हैं अगर आप दूर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिटी से 400 किलोमीटर दूर हैं, 200 किलोमीटर दूर हैं, तो लाजमी तौर पर ये सर्विस लें, क्योंकि इसकी वजह से यह है कि आपको दोबारा इधर आना पड़ेगा वीज़ा सेंटर में, ठीक है। तो अच्छा, जब आपके डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे, ट्रांसलेशन, इकामा और इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट, सारी चीज़ें जो आपकी जब हो जाएंगी, फिर इसके बाद आपने उधर जाना वीज़ा सेंटर में बायोमेट्रिक के लिए जाना है। वहाँ पे यह है कि आपकी बायोमेट्रिक लेंगे, फ़ोटो आपकी लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप वहाँ अपने फ़ीस वगैरह जमा करवानी है। फ़ीस जमा करवाने के बाद यह है कि आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, आपको मैसेज आएगा, ठीक है। तो कोरियर सर्विस याद से ले लें अगर आप दूर से आए, अगर आप नज़दीक सेंटर से नज़दीक हैं तो आप सेंटर में जाके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन का जो स्टेप हो गया, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ जो है बताता हूँ कि आप जो है वो ये जो VFS सेंटर पे जो है ना अपना जो डिटेल्स कंप्लीट देख सकते हैं, किस तरह जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, ये VFS फ्रांस पे मैं दोबारा आ गया हूँ, आप जिस जिस भी सेंटर पे जो है वो जिधर भी जिधर से भी अप्लाई कर रहे हैं कंट्री से, वो कंट्री आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये ज़रूरी है। अब इसमें जो है कि वो आप जो है वो इनकी डोर सर्विस भी ले सकते हैं, ठीक है। और भी ऑप्शंस होते हैं, और अपॉइंटमेंट अगर आप अगर आपने अपॉइंटमेंट अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही तो आप उधर वीज़ा सेंटर में जाएंगे, वहाँ जाके आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और उसकी लेकिन उसकी फ़ीस चार्जेस जो है ना मोर देन 1000 इन रियाल में, अगर आप यूरो में बात करें तो 250 मोर देन, यानी 250 यूरो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर ये आप यानी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है अब ये जैसे फॉर एग्जांपल बिगेन योर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें जो है वो ये आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, आपको सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब इसमें जो है अब एक दफ़ा मैं क्लिक भी करता हूँ, ठीक है। इसमें वो मोर डिटेल भी जो है वो बताते हैं। अब ये देखें इधर ले आया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब दूसरा ये है कि आपने अपॉइंटमेंट जो बुक करनी है, ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह आएगा, जो पहले मैंने आपको अपॉइंटमेंट बुक का कहा था, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन ऊपर आ रहा है, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। फीस पे योर फीस, आपने बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपको। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कहते हैं कि अगर आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, आपका ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हुआ, अगर ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हुआ है तो आपने यहाँ जो है वो यहाँ पे व्यू मोर पे करना है, ठीक है। ये व्यू मोर पे किया और नीचे आना है, आई एक्सेप्ट एंड बुक एन अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, अगर आपने फॉर एग्जांपल जो इनकी वेबसाइट पे गए हैं ना फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपने जस्ट वन टू स्टेप टू जो इनके 6 स्टेप होते हैं समथिंग, आपने 2 स्टेप करने, जिसमें अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें देना है ना, जब अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ के पे आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, आपको एक नंबर इशू हो जाएगा, उस नंबर की बेस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फॉर्म को बाद में भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कहेंगे जी मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें क्लिक मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो है मोर इन्फॉर्मेशन करने का जो पर्पस ये होता है कि इसमें जो है अगर आप क्या नाम है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इनकी असिस्टेंस चाहिए तो ये भी ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो है कि आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।